कहीं कहीं मैंने ऐसे आर लिखा होगा और कहीं कहीं ऐसे आर लिखा होगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है रियल नंबर को ही बताते हैं, दोनों के दोनों नंबर जो है रियल नंबर को ही डिफाइन करते हैं। अच्छा, ऐसा लिखने का पर्पज ये है कि आप जो है बीएससी सेकेंड ईयर में रिंग थियरी से भी परिचित होते हो, तो ये कैपिटल आर जो है ये अमूमन केस में रिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसलिए रियल नंबर का नोटेशन ऐसे थोड़ा बनाया जाता है। और स्टैंडर्ड जो किताबें आती हैं जो आपकी चलती हैं, मतलब एक्सटेंड पब्लिकेशन की या फिर कोई भी डाटा मैथ पहले की, तो उसमें रियल नंबर को ऐसे ही लिखा गया है, रियल नंबर, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे रियल नंबर लिखोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के दोनों रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बट अगर जो है आपको प्रूफ करना हो, अगर आपको कभी ऐसा प्रूफ करना हो कि सो डेट सेट ऑफ रियल नंबर फॉर्म से रिंग करता है कि नहीं करता है, कितने लोगों को पता है? करता है सर, ठीक है। सो डेट द रियल सेट ऑफ रियल नंबर फॉर्म से रिंग, तो आप जो है रिंग को लिखोगे ऐसे, ठीक है, और प्लस और डॉट बनाते हो ना, और रियल नंबर को लिखोगे ऐसे, रियल नंबर के सेट लिखोगे माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी तक, ठीक है। अभी आप लोग उनको लग रहा है कि वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हो, वेक्टर स्पेस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटिशन। और एक चीज और है कि वेक्टर स्पेस जो पढ़ रहे हो ना, मैट्रिक्स यहीं से बनता है। अच्छा, अब देखिए, अरे हम कुछ पूछ नहीं रहे भाई, हम तो बस बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है कि फंक्शन जो है वो रियल नंबर में से माइनस को हटा दिया है और फिर रियल नंबर पे डिफाइन कर रहा है, और फंक्शन कैसा है, एफ एक्स सजेक्ट साइन वन बाई एक्स। अब देखो यहाँ पे जीरो इसलिए हटा दिया गया है, यहाँ पे जीरो इसलिए हटा दिया क्योंकि अगर यहाँ पे जीरो पुट करोगे, ठीक है, अगर जीरो पुट करोगे तो साइन वन बाई जीरो, और वन बाई जीरो मतलब होता है इन्फिनिटी, तो साइन इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे जीरो हटा दिया गया, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे जो डोमेन है, जो डोमेन है वो डोमेन क्या है आपका, आर माइनस जीरो, पूरा का पूरा रियल नंबर है, जीरो एक्सपोर्ट किया गया है, और जो को डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे आपको करना क्या, पहले ये समझ लो, ये तो छोटी बातें थी। तो आपको सो ये करना है कि द लिमिट ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये तो आपको छोटी सी जानकारी पता ही होनी चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल x belongs to r minus 0, okay बाबा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 by 0 infinity हो जाएगी, उसको हटा ही देंगे। अब देखेंगे then so that limit of fx does not exist at f of x कैसे define है, sin 1 by x, तो f of n का मतलब हो जाएगा क्या,
साइन एफ लिखेंगे, एफ ऑफ ए एन का मतलब हो जाएगा 1/n, ए एन का मतलब 1/n है, इज इक्वल टू साइन 1/ और x की जगह क्या है 1/n, 1/n, ठीक है, तो लिखेंगे क्या साइन n, ठीक है, समझ में बात आ रही है, साइन n बात समझ में आ रही है, ठीक है, और as as n tends to infinity, f of n tends to nowhere, कहीं नहीं जाएगा, f of n is equal to n does not converges anywhere, लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे hence limit does not exist, hence limit of f of x is equal to sin 1/x at x is equal to 0 not exist. ये बताओ समझ में आया ये क्वेश्चन, आगे एक चीज और पढ़ते हैं, एक और छोटी सी क्वेश्चन है जिसमें हम लोग सिग्नम फंक्शन के बारे में बात करेंगे और सिग्नम फंक्शन को भी हम बताएंगे कि उसका सिक्वेंशियल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, अभी बहुत सी चीजें आपको बताती बाकी है, हम लोग कल क्लास में उसको पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और नोट करेंगे कि आपको जो है फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको पॉजिटिव का वन मिल रहा है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, आपको जो है जीरो मिल रहा है जब एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो है, आपको माइनस वन मिल रहा है जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है, ठीक है, और ये जो है सिग्नम फंक्शन ही है, तो लिखेंगे देन लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसको दिखाने का तो कोई सा कई सारा तरीका है, अगर आप क्लास ट्वेल्थ को याद करना है तो आपको बताया गया था कि चलो आपने फंक्शन एक ड्रॉ करना है, ठीक है, अभी हम लोग आते हैं सिक्वेंशियल पर भी, पहले छोटी बातें खत्म कर लें, आपका एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वैल्यू जीरो आ रही है, ठीक है, जैसे ही हम जीरो पे हो रहे हैं, जैसे ही जीरो से इधर जा रहे हैं वैल्यू यहां पे जो है वो इधर वन, तो यहां पे जो है ब्लैंक कर लो और ये इधर जा रही है, मतलब ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, जीरो है, ठीक है, तो आपको ऑब्वियस पता है कि जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे जीरो पे, मतलब जीरो पे आने का रास्ता जो आपको लेफ्ट साइड से आता है वो आपको माइनस वन पे ले जाएगा, और जीरो पे आने का रास्ता जो राइट साइड से आता है वो आपको प्लस वन पे ले जाएगा, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि एल एच एल इज इक्वल टू वॉट माइनस वन और आर एच एल इज इक्वल टू वॉट प्लस वन, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो ग्राफ से बता दिए, बट सिक्वेंशियल लिमिट कैसे प्रूफ करोगे ये देख लो, ये बातें समझ में आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, जिस जब हम लोग कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे तो उसको हम बताएंगे आपको अच्छे से बताएंगे पूरा एक्सप्लेन करके, फिलहाल थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे सोल्यूशन में, आपको मैंने पहला जो नोट बताया था कि आप क्या करेंगे कि दो जो है सिक्वेंस लेंगे, ठीक है, तो लेंगे क्या यहाँ पे टेक टू सिक्वेंसेस, टेक टू सिक्वेंसेस ए एन एंड बी एन सच डेट, आपने ए एन और बी एन सच डेट कैसा लिया, ए एन इज इक्वल टू आपने ले लिया 1/n और बी एन आपने ले लिया माइनस 1/n, ठीक है, आपने ए एन इज इक्वल टू ले लिया 1/n एंड बी एन इज इक्वल टू ले लिया माइनस 1/n, इतनी बात समझ में आ रही है, देन एज एन टेंस टू इंफिनिटी, अगर एन गोज टू इंफिनिटी होगा तो ए एन आपका कहां जाएगा, जीरो पे जाएगा
और बी एन आपका कहाँ जाएगा, जीरो पे जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना, और जीरो पाएगा तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन प्लस माइनस जीरो नहीं होता, सिर्फ जीरो सिर्फ जीरो होता है, ठीक है। जीरो के आगे प्लस माइनस लगाओ कोई मतलब नहीं है। ए एन और बी एन दोनों के दोनों जीरो पे जा रहे हैं, बट एफ ऑफ ए एन हमने लिखा, एफ ऑफ ए एन तो लिखेंगे एफ ऑफ वन बाई एन, ठीक है, एफ ऑफ वन बाई एन। अब ये जो वन बाई एन है मेरे भाई, जो वन बाई एन है ये पॉजिटिव नंबर है, वन बाई एन इज पॉजिटिव नंबर है ना, जब बोलिए Yes, sir. पॉजिटिव नंबर है और इस बात की गारंटी है कि ये जीरो के बराबर नहीं है। तो अगर ये जीरो के बराबर नहीं है, मतलब कि जीरो के इक्वल नहीं है और पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी जो वैल्यू है इस फंक्शन के हिसाब से वन आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वन लिख दूं, अब ये मत पूछना कि सर वन क्यों लिखे, क्योंकि वन बाई एन इज ग्रेटर देन जीरो, वन बाई एन इज ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स कुछ भी रखोगे वन ही आएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। एंड एंड एफ ऑफ बी एन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन बाई एन इज इक्वल टू माइनस वन लिख दूं मैं, क्योंकि माइनस क्वांटिटी है और एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो मतलब माइनस क्वांटिटी, आपको वैल्यू माइनस वन मिलेगी, तो माइनस वन मिला। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है? आप देखेंगे क्लियर, here we have two sequences an and bn in yes ठीक है, या फिर in domain कुछ भी लिख सकते हो, in real number we have two sequences an bn in R such that an and bn tends to zero as n tends to infinity, but n tends to plus 1 and f of bn goes to minus 1. So we say that limit does not exist. ठीक है, सारी बात यहां पे, ये भी सीक्वेंस जीरो पे जा रही है, ये भी सीक्वेंस जीरो पे जा रही है, और आपको जीरो पे ही लिमिट निकालना है। तो दो सीक्वेंस ऐसे भी जो जीरो पे जा रही है, बट दोनों सीक्वेंस अगर जो है हम एफ ऑफ एन एफ ऑफ एक्स में अप्लाई करते हैं तो बायस दिस रूल गोज टू प्लस वन, बायस दिस रूल गोज टू माइनस वन। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चले गए, ये दोनों सेम जगह जा रहे हैं और ये दोनों अलग अलग जा रहे हैं। तो आपका नोट नंबर वन जो मैंने लिखवाया था उसमें यही था कि इफ यू यू हैव टू सीक्वेंसेस an एंड bn सच दैट an एंड bn गोज टू सेम पॉइंट बट f ऑफ an एंड f ऑफ bn गोज टू टू डिफरेंट, ये बात यस सर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको आज का जो लेक्चर है इसका नोट आपको आज रात तक मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में और उसको प्लीज रिवाइज करिएगा। बाकी लिमिट्स के सारे क्वेश्चन जो भी आपके बुक में है वो भी करा देंगे, कुछ और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करा देंगे, आपको लिमिट समझ में आ जाएगा कि लिमिट होता क्या है। ठीक है,